हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेके आया हूं एक नई वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में जो मैंने ड्राइंग बनाई है, सॉरी इस वाली वीडियो में अभी ड्राइंग के बारे में नहीं बात करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे अनबॉक्सिंग के बारे में। एक प्रोडक्ट मंगवाया जो कि बहुत ही बेहतरीन है और मैंने इसको थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप बिगनर हैं तब आप इसको मत लीजिए, बट अगर आपको ड्राइंग की नॉलेज है तब आप ले सकते हैं। मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल था, क्योंकि अभी तक क्या है कि मेरे पास स्टेडलर के प्रोडक्ट जो थे वो ज्यादा थे। स्टेडलर एक कंपनी है जिसपे मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि हाँ, इसके मैं कोई भी प्रोडक्ट मंगाऊंगा तो वो बढ़िया ही निकलेगा। और अभी जो सेकंड नंबर पे मेरा चल रहा है वो है ब्रूस्टो। उसके प्रोडक्ट भी धीरे 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 क्या हो रहा है कि ओवरलैप कर रहे हैं स्टेडलर को। स्टेडलर का जो है वो थोड़ा कम हो रहा है मेरा, और ब्रूस्टो की तरफ मेरा ध्यान जो है थोड़ा ज्यादा जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या मंगाया था ब्रूस्टो का सबसे पहले मैंने पेपर मंगवाए थे, ड्रॉइंग जो हमारे वाटर कलर पेपर होते हैं 300 जीएसएम के, वो मंगवाए थे डिफरेंट साइज में। तो मुझे उसका जो आउटपुट है बहुत ही सही मिला। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने वाटर कलर ब्रशेज मंगाए, वो भी बहुत सही निकला। उसके बाद मैंने पेंसिल मंगवाए, उसके नॉर्मल जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है डिफरेंट शेड डिफरेंट ग्रेड्स के, वो मंगवाए। उसका भी जो आउटपुट है वो भी बहुत सही निकला। मतलब जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे वो काफी बेहतरीन मिल रहे थे। मतलब मैं अगर कोई कार्ट्रिज पेपर पे या फिर एवरी शीट पे, ऐसी नॉर्मल किसी शीट पे भी करता हूँ ना, या प्रिंट आउट वाले पेपर पे भी शेडिंग करता हूँ, तो आउटपुट जो है काफी अच्छे मिल रहे थे। अभी तक क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि अभी तक मैं नॉर्मल जैसे ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं मंगवा रहा था, बट अभी थोड़ा सा रिस्क लिया है और एक नॉर्मल से ऊपर थोड़ा सा मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया है जो कि हमारा पेंसिल कलर है ब्रूस्टो का, अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो जो पेंसिल कलर है वो आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा कि कैसा रहा पेंसिल कलर। और इससे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक ड्रॉइंग बना के दिखाने वाला हूँ स्पाइडरमैन की, जो कि स्पाइडरमैन की पहली मूवी है जिसमें एक किसिंग का सीन आता है, वो वाला सीन मैंने बनाया है। और काफी आप लोग बताना मैं क्या बोलूँ, काफी सही है ये, क्या है आप लोगों पे छोड़ देते हैं कि आप लोगों को कैसा लगाइए। और फ्रेंड्स, वाली जो ड्राइंग है मैंने वो नॉर्मल पेपर पे बनाया है, कार्ट्रिज पेपर जो है उस पे बनाया है। और आप लोग देखना और मुझे बताना कि कैसी लगी। पहले इस वाले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा कलर पेंसिल है ये मैंने मंगवाया है। तो इसकी मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग करके एक रिकॉर्डिंग पहले से कर रखी है मैंने, तो उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन के साथ जरूर दबा दे। कमेंट करके जरूर बताना कि यह प्रोडक्ट आप लोग लेने वाले हो कि नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ जो कि अमेजोन की तरफ से है। और अमेजोन से मैंने ये परचेज किया है, ये ब्रूस्टो पेंसिल कलर है और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले यूज़ नहीं किया। लेकिन इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे पढ़े हैं। और मेरा जो पेंसिल कलर है पुराने वाला जो कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टेडलर का मैंने पहले लिया हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार ब्रूस्टो को लिया। ब्रूस्टो के वैसे मैं वाटर कलर, पेंसिल कलर, पेंसिल कलर तो अभी लिया है और इसके पेपर्स, पेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, यही रह गया था अभी। तो इसको मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ और इससे मैं एक पेंटिंग भी बनाऊंगा जो कि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी कॉस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं पहले तो। और पैकिंग जो है इसकी काफी अच्छी है, देख सकते हैं किस तरीके से, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये इसका बॉक्स है, मेटेलिक बॉक्स है, काफी अच्छा बॉक्स है, रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। और इसमें ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के शेड्स हैं, 72 का सेट है ये पूरा। और फ्रेंड्स, ये मुझे मिला है 1905 रुपए का और इसमें सिर्फ 1% का ही डिस्काउंट मिला मुझे। अगर मैं इसको थोड़ा पहले लेता तो मे बी मुझे और थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता। तो इसमें कुछ ये चीजें दे रखी हैं जो कि मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 4 mm थिक लीड से इसकी, जो इसकी लीड है वो 4 mm थिक है। सॉफ्ट वैक्स बेस्ड कोर्स है इसके, हाईली पिगमेंट्स एंड ब्रेक रेजिस्टेंट है, एक्सीलेंट हाईलाइट है और ब्लेंडिंग इजली विद रिच ले डाउन, स्मूथ ऑन पेपर बोर्ड और कैनवास। अच्छा, ये इसके लिए काफ़ी सही है, तो नॉन टॉक्सिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये दिया ही हुआ है। और इसका मैं सेट खोल के आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप लोग भी ये, अगर आप लोग इस तरीके से है कि जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से नहीं परचेज करना चाहते तो डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से भी आप लोग कर सकते हैं। ये कोलकाता से आता है, ये क्रिएटिव हैंड देख रहे हैं तो ये कोलकाता में है। और मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये कोलकाता में इसका शोरूम है, मतलब स्टोर है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। और वैसे तो आप जगह जगह पर इसका मार्केट हो गया है, तो काफ़ी सही है ये। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ।
है, काफी सही बॉक्स है और इसको आप यूज भी कर सकते हो बाद में इस तरीके से, और काफी सही लग रहा है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, ये देखिए एक सेट ये है हमारा, उसके बाद एक सेट ये है और इसके नीचे एक और दिया ये, तो ये टोटल हमारे सेट कितने हो गए, तीन सेट हो गए ना, है ना, ये वाला और एक ये वाला। अब इसको आपको दिखा देता हूँ चलाकर कि किस तरीके से ये चलता है। जैसे हम 72 कलर लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम इसके साथ पता क्या आएगी मुझे, प्रॉब्लम मुझे ये आएगी कलर छांटने में, कलर का जो सेलेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोगों के पास कलर होंगे उतना जो है आप लोग करके दिखाता हूँ। ये वाले दिखा देता हूँ स्टार्टिंग वाले, जो ये दो कलर मुझे मिले हैं ब्राउन वाले, इनको मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। और ये काफी स्मूथ चल रहे हैं, बहुत ही सही चल रहा है, मक्खन चल रहा है, जैसे मक्खन होता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दही दही लगा रखी है इसमें। तो ज्यादा की स्टेडलर ही जो है वो सबसे अच्छा है, बट हाँ ठीक है, ब्रुस्टो भी धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास सिर्फ स्टेडलर के प्रोडक्ट थे, अभी क्या है ब्रुस्टो धीरे धीरे स्पेस बना रहे हैं। और फ्रेंड्स इस पेंसिल कलर के साथ में मैंने ये भी मंगवाया था ब्रुस्टो के आर्टिस्ट वाटर कलर भी, 25% कॉटन में, 18 पेज अगर आप लेते हैं तो उसके साथ 6 पेज है जो वो फ्री मिलेगा आपको, 300 GSM का है, A4 साइज का है, और इसकी जो कॉस्ट है 396 rupees है। इसमें मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है, लेकिन पेपर इतना अच्छा है ये, इस पर जब आप वाटर कलर करें या पेंसिल कलर करें या ग्रेफाइट कुछ भी करें, टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, मतलब चीज़ें जो है वो निकल कर आती है बाहर, बहुत ही सही लगता है ये। और इस पर मैंने काफ़ी सारी ड्राइंगें भी बना रखी है, जैसे कृतिका चौहान वाली जो ड्राइंग थी वो मैंने इस पर ही बनाई थी, और वाटर कलर की मैक्सिमम ड्राइंगें जो है वो मैं इस पर ही करता हूँ, और काफ़ी सही लगता है मुझे। और ऐसी सेम टू सेम एक मेरे पास शेडिंग के लिए एक अलग ब्रुस्टो का है, जिसपे मैं पूजा हेगड़े वाली ड्राइंग करी, अल्लू अर्जुन वाली ड्राइंग है वो भी मैंने करी है, तो इस टाइप के हैं मेरे पास। और ब्रुस्टो का प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आप बिगनर नहीं है तो। अगर आप बिगनर हैं तो नॉर्मल जो प्रिंट आउट वाला पेपर होता है उस पर ड्राइंग करो, जब आप थोड़ा सीख जाओ आपको आ जाए तब ये चीज़ें लेना, और बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अभी ये, तो बिगनर प्लीज़ अभी ना ले इसको, वो अभी प्रैक्टिस पे ध्यान दे अपने, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप ड्राइंग में अच्छे हो जाओगे उसके बाद लेंगे, ये उनके लिए है जिनको ड्राइंग आती है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट है जो मैंने लिए थे और आप लोगों को दिखाए मैंने, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और अगर आप लेने तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।